नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज 24 खबर सच तक और मैं हूं आपके साथ रेणु कुमारी। हरिद्वार से लोकसभा सीट के प्रत्याशी मोहन सिंह ओसवाल ने ऋषिकेश में एक जनसभा को संबोधित किया। हमारे दल के हरिद्वार लोकसभा से सांसद प्रत्याशी मोहन ओसवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। मोहन ओसवाल जी, हमारे दल के केंद्रीय महामंत्री विजय बोड़ा जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर कष्ट करेंगे। जोशी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें। रोटियों में मैं बोला था चमोली जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और हमारे दल के केंद्रीय महामंत्री विजय बोड़ा जी का माल्यार्पण करेंगे। पार्टी की जो विचारधारा है वो तो लोगों तक कैसे पहुंचाए। उत्तराखंड क्रांति दल ही एक ऐसा दल है कि जो इस राज्य के लिए लड़ाई करी और जिस इस राज्य को बचाने का काम कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा वोट ओसवाल जी के। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है? अनिता कोटिया, केंद्रीय संयुक्त सचिव उत्तराखंड क्रांति। तो मैम, जिस तरह से कुछ वर्षों से प्राइवेट स्कूलों में जो बुक्स के रेट हैं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? पहली बात है, प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों में मतलब बुक सभी जगह की महंगे हो गई है। और मैं यहाँ उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में तो नशे बढ़ गए हैं और शिक्षा घट गई है और इतने बुक मतलब इतनी महंगी हो गई है। और हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का ज्ञापन तो पढ़ा मैंने, तो उसमें मिला था कि शराब सस्ती हो गई है और किताबों का दाम हमारे सरकार को नहीं दिखाई दे रहे। आम बच्चे हमारे कैसे शिक्षित होंगे? सरकार बीजेपी सरकार का मुद्दा था कि पढ़ाई, रोजगार और ये सारी चीजों से पहले तो हमारा पूरा देश नहीं तो उत्तराखंड को तो बिल्कुल वंचित कर दिया है। और अगर हमारे उत्तराखंड वासी हमारे लोकसभा सीटें जीतवा करके सांसद तक भेजते हैं तो हमारे मुद्दे होंगे शिक्षा और स्वास्थ्य पे।
हमारी पहली जो चर्चा होगी वो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के अपने उत्तराखंड के लिए, और जो भी जनाधार उनके होंगे तो उनके मुद्दों की लड़ाई तो हम सरकार में न रहते हुए भी हम उत्तराखंड के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर उत्तराखंड वासी हमें सरकार में हमें जनप्रतिनिधित्व तो सौंपते हैं तो हमारे दायित्व तो है ही ना कि हम अपने उत्तराखंड के लिए, जब कुछ ना होते हुए भी हमने इतना जन्ना डन्ना उठा रखा है उनके मुद्दों के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि हम जनप्रतिनिधि होने के बाद हमारी प्रोग्रेस क्या होगी, हमारे जनता के लिए हमारे कार्य क्या होंगे। तो मैं इन्हीं सब लोग के साथ अपने उत्तराखंड को मैसेज दे रही हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले और उत्तराखंड क्रांति दल को वोट और सपोर्ट दें ताकि हम आपकी लड़ाई को आगे संसद तक लड़े और आपकी आवाज बन करके संसद से आपके मुद्दों को जीत लें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज 24। जिस तरह का आज देख रहे हैं आपके चुनाव का जो काफी माहौल अब सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि 19 तारीख अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 5 से 6 दिन का टाइम है। तो हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा सांसद सीट से जो उम्मीदवार हैं यूकेडी के मोहन सिंह ओसवाल जी, उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ऋषिकेश में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। तो जी सर, क्या बताना चाहेंगे आप जिस तरह से यहाँ पर ये सभा थी, तो क्या रुझान आपको लग रहा है? देखिए, ऐसे ऐसे ये कॉर्नर सभाएं हैं जी, और हम कॉर्नर सभाओं के लिए भी जो है परमिशन लेके कर रहे हैं जी, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की कमी है जी, इधर की पब्लिक उधर और उधर की पब्लिक इधर, हम कर नहीं पा रहे, जिस कारण से हमने अपना जो है एक एजेंडा बनाया कि हम जो है अपने एजेंडे को लेकर के जनता के बीच में जाए और जनता को उसी स्थान पे उनको समझाए जहाँ पर वो अपने आसानी से आ जा सकते हैं, ना तो उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा और ना ही हमारे ऊपर अननेसेसरी लोड पड़ेगा। तो इसलिए हमने वही बात जनता को समझाने का प्रयास किया, और अगर इस परिपाटी से अगर उत्तराखंड की सरकार चलती है तो निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में जनता की भलाई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर इस पर हम कम खर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पे जो जो प्रतिनिधि बन के जाएगा, जो हमारा सांसद चुन के जाएगा, वो जनता के लिए काम करेगा जी। सर, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी 5 साल का टाइम होता है, अभी जो चुनाव आ रहे हैं 2024 के, इससे पहले 5 साल का टाइम निकल चुका है, तो आपने लगभग कितने जो मतलब पब्लिक है उनसे संपर्क साधा उस तरीके से, तो उस तरह से भीड़ होनी चाहिए थी? देखिए, यहाँ पर का जो है हमारे पास जो है जो ऋषिकेश महानगर है जी, महानगर के अंतर्गत जो हमारे कार्यकर्ता है वो काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो आपने जितनी जनसंख्या देखी तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि वो जनसंख्या यहाँ पे पूरी तरह से क्यों नहीं आई। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा धरना भाव है, तो हम तो एक एक टेम्पू के लिए भी बहुत बार सोचना पड़ता है कि यार एक टेम्पू भर के अगर हम विधानसभा में ही टेम्पू भर के ला देंगे तो वो भी हमारे लिए लोड के विषय हो जाता है। तो इसलिए ये ना समझे आप कि हमने वार्ड अगर 5-7-10 वार्ड का इकट्ठा किया है तो 5-7-10 वार्ड का वहां करें, जहाँ पर आदमी बहुत इजी संसाधन से या तो पैदल आ जाए या स्वयं अपने छोटे छोटे संसाधनों से वहाँ पे पहुँच सके, वैसी हम बैठकें कर रहे हैं। और हमारे को लोग संसाधन भी ऐसी उपलब्ध कर रहे हैं, कोई मैक दे रहा है तो कोई कुर्सी दे रहा है, तो कोई इस तरीके के छोटे छोटे संसाधन भी उपलब्ध करा रहे हैं, और हमारे को ये प्रचार करने के लिए इजी मेथड जो है हम कर पा रहे हैं जी। हमारे चैनल के माध्यम से हरिद्वार की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जनता हरिद्वार की बहुत समझदार जनता है, उत्तराखंड की भी जनता समझदार है, पूरे प्रदेश की। अब उनको पता है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने जो यहाँ पे सरकार बनाई, उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं वो जस के तस पड़े हुए हैं। हम अपने मुद्दों को लेकर के जनता पे जा रहे हैं, जनता हमारे मुद्दों को पढ़ रही है, समझ रही है, और हमारे जो मुद्दे हैं राज्य बनने से पहले भी वही मुद्दे थे, अभी तक भी वही मुद्दे चल रहे हैं। जब अभी तक राज्य की राजधानी का भी कोई मसला है ही नहीं, टेम्परेरी राजधानी चल रही है, अस्थायी राजधानी में काम चल रहा है, हमारे साथ 2 अन्य प्रदेश भी बने, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, उनको राजधानी स्थायी राजधानी दे दी गई, लेकिन हमारे को जो है अस्थायी राजधानी में काम चलाना पड़ रहा है। यानी कि ये हमारे उत्तराखंड के अनुसार जो ये राज्य पार्टी है, ये हमारी जनता की भलाई कहीं इनको दिख नहीं रही है, इन्हें सिर्फ जो है ये कठपुतली है, राष्ट्रीय पार्टी जो आदेश करती है उसके आधार पर ये चलते हैं, हारे हुए को कुछ करा देंगे, जीते हुए को कर कुछ करा देंगे, मतलब जो इनकी चलाना चाहें वो इनकी चलाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सही एजेंडा पब्लिक के अनुसार, जनता के अनुसार, गरीब जनता के अनुसार, किसान के लिए, उनके लिए जो एक प्रस्ताव होने चाहिए, जो उनके लिए काम की योजनाएं होनी चाहिए वो योजनाएं नहीं है। किसान परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, बेरोजगार परेशान है,
तमाम परेशानी हमारे उत्तराखंड के अंदर है, उन सब तमाम परेशानी के लिए उत्तराखंड क्रांतिदल लड़ रहा है। और आप ज्यादा से ज्यादा मतों से अगर हमें विजय बनाते हैं, हमारा चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है, आइसक्रीम का बटन दबाएंगे, निश्चित तौर पर उत्तराखंड क्रांतिदल जीतेगा। तो इन सारी समस्याओं का जो है हम जो है प्रस्ताव वाइज जो है जन जन जनहित में काम कर पाएंगे। जी, जिस तरह की सर समस्याएं चल रही है, जैसे अभी स्कूलों में है लगातार जो है कोर्स के जो कोर्स या फीस कंटिन्यू जो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर कुछ लगाम लगने की उम्मीद है अगर आप बन के आते हैं सांसद? देखिए, ये तो बहुत ही मनमाने ढंग से जो है पेरेंट्स की जो है जेब काटी जा रही है। जी, ये तो ये इस पर हम बहुत जल्दी इस जो शिक्षा नीति है उसमें हमें उत्तराखंड के अंदर जब प्रदेश की सरकार इसको करना चाहिए, क्योंकि इस समय मैं सांसद लड़ रहा हूँ, तो मैं इस प्रस्ताव को निश्चित तौर पे अगर जीतता हूँ तो ये पार्लियामेंट्री क्वेश्चन है, मैं इसे रखूंगा और निश्चित तौर पे माँ बापों की जो जेब कट रही है उसमें जो है कमी आनी चाहिए, ये हम भी चाहते हैं और हर माँ बाप यही चाह रहा है। और इसी के लिए सारी गाड़ी कमाई जो है वो चली जाती है और बच्चों को उतनी एजुकेशन मिल नहीं रही। जी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो स्कूलों में अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर हमारी जो जेब खर्चा हो गया है या जो किचन का खर्चा हो गया है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम कम करके फिर बच्चों की फीस भरते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बच्चों की आज की तारीख में देखा जाए तो हर एक एक चीज सिखाने के लिए, अगर खेल भी सिखा रहे तो बच्चा कोचिंग कर रहा है। जी, कोई गेम्स में जा रहा है वहाँ कोचिंग करनी पड़ रही, कोई स्कूल के टेबल करानी पड़ रही तो वहाँ कोचिंग करनी पड़ रही, यानी कि वो विद्यालय मोटी पैसे तो ले रहे हैं लेकिन उसके बदले में उनको शिक्षा वैसे भी नहीं दे रहे हैं। तो ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर करना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए उन्होंने हमसे मोटी फीस ली है तो उसके बदले में उन्होंने हमारे बच्चों को वो संस्कार दिए, वो पढ़ाई दी, वो नहीं मिल रही है। सिर्फ जो है स्कूल जो बिजनेस के तौर पे खोले गए और इन बिजनेस के स्कूलों पे जो है कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए या इनको इनकी मानसिकता को परिवर्तन किया जाना चाहिए कि भाई आपके स्कूल जिस पैसे से आप स्कूल चला रहे हैं, जिन उद्देश्यों से चला रहे हैं, आप विद्यालय में शिक्षा के आधार पे शिक्षा को उद्देश्य मानेंगे तो निश्चित तौर पे आप फीस कम लेंगे। आप तो उसे अपना व्यवसायीकरण बनाने के फिराक में, और फिर प्राइवेट स्कूल जितने हैं ये कंपटीशन इनमें अंदर है, क्यों ये अन्य खर्चे जो है स्कूल देखा देखी में एक दूसरे के कि भाई फलां स्कूल में ये किया गया, दूसरे स्कूल में ये प्रोग्राम कर रहे, तो इनका कंपटीशन भी बहुत चल रहा है। तो ये कंपटीशन को भी कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का जो जेब काटने में कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है। तो सर, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल अपने आप को डेवलप कर रहे हैं उसके बाद फिर लगातार जो है फीस बढ़ा देते हैं वो, या फिर उनके अपने स्टोर खुले हुए हैं तो वहाँ से ड्रेस भी आपको वहीं से लेनी है, किताबें भी आपको वहीं से लेनी है और बैग भी आपको वहीं से लेने हैं, तो क्या जो गवर्नमेंट स्कूल है क्या उन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूलों को उस तरह से डेवलप करें कि लोग प्राइवेट स्कूलों में ना जाके और उसका फायदा उठाएं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव है, अच्छा सवाल भी है आपका कि गवर्नमेंट के स्कूल में ट्रेंड टीचर होते हैं और ये जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इनमें जो है नॉर्मल पढ़े लिखे क्वालिटी ऑफ टीचर एंड क्वांटिटी ऑफ टीचर की प्रॉब्लम, वहाँ क्वांटिटी में और प्राइस जो सरकारी में वहाँ क्वालिटी में, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, यहाँ क्वांटिटी में भरे हुए वो ना तो उन्हें संस्कार दे पाते हैं ना ही उन्हें ढंग से सिखा पाते हैं। इसलिए हमारे बच्चे भी देख लीजिए आज के बच्चों को जो है वो किस दिशा में जा रहे हैं, अगर वो तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। सर, प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से लोग पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल में ज्यादा एक मोटा पैसा देकर फीस का, उसके बाद भी उन बच्चों को ट्यूशन की जरूरत है, ऐसा क्यों? क्या सरकार को उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? सरकार को लेना चाहिए इसमें एक्शन, सरकार तो ही नहीं ध्यान दे रही, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ सरकार भी निरंकुशता का रास्ता अपना रही, विद्यालय भी निरंकुशता का रास्ता अपना रहे, दोनों वो सरकार का ही तो डुप्लीकेट कर रहे हो। अगर हमारे माँ बाप सही है तो बच्चे भी सही है, अगर सरकार चलाने वाले मंत्री हमारे सही है तो स्कूल भी सही हो जाएंगे, अन्य विभाग भी सही हो जाएंगे। तो सारी खामियां सरकार के ऊपर तो है जो सरकार चलाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांतिदल को मजबूत करिए और मेरा जो चुनाव चिन्ह है इस बार जो है उत्तराखंड क्रांतिदल के आइसक्रीम के बटन को दबाएं और भारी मतों से विजय बनाएं, ये मैं जनता से निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और आपका भी धन्यवाद करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लोकसभा हरिद्वार सांसद सीट से हमारे साथ मोहन सिंह ओसवाल जी, यूकेडी के की तरफ से हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमने जो भी इनसे क्वेश्चन किए वो उन्होंने बहुत ही सटीक और सही जवाब दिए और आने वाले टाइम में अगर वो इस तरह से इनकी सरकार आती है या सांसद बनते हैं तो इन सारे मुद्दों पर वो बैठ के चर्चा करेंगे और आगे आने वाले टाइम के लिए भी पूरे प्रदेश पर ध्यान देंगे, इस तरह का उन्होंने वादा किया है और ऐसा वो करेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखते रहिए उन्नति। ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित करते हुए यूकेडी के अन्य कार्यकर्ताओं ने हमारे संवाददाता से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए।
नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नति 24 और आज हम मौजूद हैं ऋषिकेश में। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा है, यूपीडी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और असवाज जी है जो यहाँ पे मोहन सिंह असवाज जी वो हरिद्वार सांसद मतलब लोकसभा सांसद से प्रत्याशी है, तो उनके जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी बताएं आप क्या नाम है? मैं राजन सिंह बिहार। जी तो जिस तरह से अभी जो समस्याएं चल रही हैं उत्तराखंड के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे आप अगर ये सांसद बनते हैं हमारे साथी? निश्चित तौर पे सबसे पहले मैं आपके चैनल आपके न्यूज पोर्टल का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और रही बात उत्तराखंड का, निरंतर रूप से शुरुआत से आज तक उत्तराखंड के मुद्दों पर मंडी है। अगर बात करें विपक्षी दलों की, तो जिस प्रकार से पहाड़ियों को आज तक निरंतर रूप से यहाँ पर टका जा रहा है, मूल निवास की बात करें, भू कानून की बात करें या जल जंगल जमीन को लूटने की बात करें, आज आप देख लीजिए कि नालों का तक को भेज दिया है। उत्तराखंड का सांसद अमित शाह की पहली मजबूती के साथ हम करते हैं, हमारे मोहन असवाल जी अभी चुनावी मैदान में उतरे हैं और मजबूती के साथ जनता तक उत्तराखंड का विचार जा रहे हैं, जन मुद्दों पर वे कार्य कर रहे हैं और इसका हमें लगता है कि सिर्फ बहुत तो अगर सांसद बन के आते हैं तो आपका पहला मुद्दा क्या होगा जो आप इसे खत्म करना चाहेंगे जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं? निश्चित तौर पे अगर सांसद हमारे सुनकर आते हैं तो स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, युवाओं को रोजगार की बात करें। आप देख लीजिए कि उत्तराखंड में छिटकू तो बना दिया, लेकिन आज भी हमारे प्रदेश के युवाओं को वहाँ पर 70% का रोजगार का जो पैरामीटर है उससे हमको सुदूर है। स्वास्थ्य में आप देख लीजिए कि देखिए कि किस प्रकार से जो देहाती इलाके हैं हरिद्वार के, सभी को देहरादून आना पड़ता है इलाज के लिए। शिक्षा में आप देख लीजिए जो किताबों की दर है, रेट फीस वृद्धि की है, इस प्रकार से इसमें बड़ी आम आदमी को बड़ा मुश्किल इसमें रहना पड़ता है मजबूती के साथ। तो सर जिस तरह से प्राइवेट स्कूल जो अपनी मनमानी कर रहे हैं पिछले साल से, इस बार 2 से 3 हजार रुपए का जो उसमें वृद्धि हुई है फीस में, या फिर जो किताबें हैं उनका बराबर जो है एक तरीके से शोषण हो रहा है, जो गरीब परिवार के लोग हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, शिक्षा नहीं दे पाते, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे एक तो माफिया होते हैं आज शिक्षा में भी, शिक्षा माफिया पनप गए हैं, स्वास्थ्य माफिया पनप गए हैं, से होंगे स्कूल प्राइवेट स्कूल का लाइसेंस जो अपने सत्तासीन दल देता है, तो इसके माध्यम से वे पहले तो स्कूल खोलने के लिए वो मोटी अमाउंट जो सरकार को देते हैं, उसके पश्चात जब स्कूल उनका खुल जाते हैं, शिक्षा का केंद्र खुल जाता है, तो उसके बाद उसका जो बोझ होता है वो अभिभावकों पर पड़ता है। जी उसको अतिरिक्त रूप से वे कहां से उसको उठाएंगे, तो अभिभावकों पर जो बोझ पड़ता है तो उसके साथ क्या होता है कि हमारे जो अभिभावक हैं उनका शोषण किया जाता है। किताबों की दर आप देख लीजिए, फीस की वृद्धि आप देख लीजिए, इसके साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं उन पर भी जो अभिभावक हैं उनमें आपको ठगा का महसूस करते हैं। अगर टैक्सल आएगा तो निश्चित तौर पर हम ये जो शिक्षा माफिया जो इस प्रकार का जो गठजोड़ चल रहा है इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे और अपने प्रदेश को हम अपन प्रदेश बनाने की ओर लेके चलेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह कि जिस तरह से यहाँ पर जो है धार्मिक स्थल है, पूरा उत्तराखंड ही पूरा मतलब धार्मिक स्थल है, तो यहाँ पर जो किनारे किनारे गंगा जी के किनारे या कहीं भी हमारे टूरिज्म स्थल है, तो वहाँ पर जो भिखारी बैठे हुए रहते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया। आप देख लीजिए हरिद्वार ऋषिकेश जो हमारे धार्मिक पर्यटन के लिए जाने जाते हैं, आज मोदी सरकार में सत्तासीन दल ने वहाँ पर पूरे शराब के स्टोर खोल दिए, मोबाइल वैन बना दिए कि उसमें शराब का आप कार्य कीजिए, और एक प्रकार से जबकि हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास के ठेकेदारों का जो नशीले पदार्थ है उसका सेवन करना सख्त मना है, लेकिन उसको तोड़कर उनको उल्लंघन करते हुए ये कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस मजबूती के साथ इस प्रकार के जो कार्य चल रहे हैं उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे, इसके साथ साथ युवाओं को जो नशा परोस रहे हैं, सूखा नशा परोस रहे हैं, उसको भी हम रोकने का कार्य करेंगे। जिस तरह से हमारे सांसद होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह से चेंज चली आ रही होती है और वो चीजें जमीनी स्तर पर जाती है, तो उसके बाद में जैसे पार्षद हुए या हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है जमीनी तौर पर बिजली पानी सड़क इन सबकी व्यवस्था जो समुचित रूप से होनी चाहिए, तो फिर भी मतलब पब्लिक परेशान है, तो क्या कारण है, क्या हो सकता है? इसमें निश्चित तौर पर मेरा जो मानना है कि इसमें पार्षद से लेकर मंत्री तक का इसमें बदा हुआ है, हफ्ता बदा हुआ है। आपने देखा होगा किस प्रकार से अगर कोई कार्य इस प्रकार के कार्य कहीं पर चल रहे हैं तो पार्षद उसमें एक्शन क्यों नहीं लेते, वहाँ के विधायक एक्शन क्यों नहीं लेते, जनप्रतिनिधि क्यों नहीं एक्शन लेते, तो इनका उसमें डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से इनका शेयर होता है, ताकि इसी इन्हीं के माध्यम से जो है इनका कार्य जो है ये पनपते हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल का पहले से हमारा रहा है कि उत्तराखंड को हमने संपन्न प्रदेश बनाना है, तो युवाओं को नशे से हमें दूर रखना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में हमें कार्य करना होगा जो अन्य प्रकार से, और एक और भी चल रहा है गंगा नदी ऋषिकेश के तट पर आप देख लीजिए कि शराब का वहाँ पर पी के बोतल वहीं फेंकी जाती है, इस प्रकार से माहौल खराब करने का कार्य किया जाता है, इस पर उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत रूप से हम नीति बनाकर इस पर कार्य करेंगे। जी तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता जी, और उनसे हमने बहुत ही बातचीत की और क्वेश्चन जो हमने जो किए थे उन्होंने बहुत ही सटीक जवाब उन्होंने दिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।
शिक्षा नीति के अंतर्गत उनसे सवाल किया गया तो हमारे संवाददाता से उन्होंने शिक्षा नीति को लेकर मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए। प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया और उसके पश्चात वे उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा को हमारी मैदानी क्षेत्र के जिन मुद्दे हैं हमारे उपया जी का जो कि केंद्रीय संयुक्त सचिव हमारे दल में है, हमारे दल के युवा प्रकोष्ठ के धोलेधर चमोली जी, केंद्रीय संगठन मंत्री के वरिष्ठ नेता सैयद सिंह राणा जी, राकेश चौहान जी। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए उन्नति न्यूज 24 खबर सच तक। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।